अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जबन न्यूज़ सालम की। आपको एक आम खबर से आगाह किया जा रहा है। पाकिस्तान की कोरोना वैक्सीन हिकमत अमली पाक फजाया का खसूसी त्यारा चीन से वैक्सीन की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच चुका है। वैक्सीन को इस्लामाबाद के मरकजी स्टोर सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा। तमाम हेल्थ गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन वफाकी इकाइयों को फराहम की जाएगी। वैक्सीन की मुंतकली के प्लान को NCOC हतमी शक्ल दे चुका है। दर्जा हरारत को बरकरार और वक्त को बचाने के लिए सिंध और बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को वैक्सीन तैयारों पर फराहम की जाएगी। वैक्सीन की पहली खेप मुकम्मल तौर पर COVID-19 के खिलाफ जंग लड़ने वाले फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स पाकिस्तान के असल हीरो हैं जो वबा के खिलाफ लड़ रहे हैं। NOOC और तमाम स्टेक होल्डर की तय करदा तरजीहात के मुताबिक पहली वैक्सीन डोज तमाम हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही है। मुल्क भर में एडल्ट वैक्सीनेशन मराकज कायम किए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन का तमाम तर अमल डिजिटल मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाएगा। वैक्सीन के पहले मरहले के लिए पंजाब में 179 और सिंध में 14 मराकज कायम किए गए हैं। हबर खतूनखा में 280, बलोचिस्तान में 44 और इस्लामाबाद में 14 वैक्सीनेशन सेंटर कायम। आज़ाद कश्मीर में 25 और गलगित बल्तिस्तान में 16 मराकज कायम किए जाएंगे। NCOC पूरी वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान कोर सेंटर के तौर पर काम करेगा। वैक्सीनेशन के लिए सूबे, ज़िले और तहसील की सतह पर भी कोर सेंटर कायम किए गए हैं। वैक्सीनेशन का पूरा अमल नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कम से कम इंसानी मदाखलत के साथ काम करेगा। वैक्सीनेशन का अमल मुल्क भर में 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा।